Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn about English grammar. Our topic is gender noun and its four types. Gender noun. It represents the gender of noun. Gender noun क्या करता है? Represent करता है genders को, यानी male, female या others. उसके बाद आ जाते हैं हम first type पर masculine gender. It represents male gender. Masculine gender represent करता है सिर्फ male को. ओके, फॉर एग्जांपल बॉयज जो लड़के होते हैं वो भी मेल होते हैं, फादर मेल होता है, ब्रदर वो भी मेल होता है. उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड टाइप पर फेमिनाइन जेंडर. इट रिप्रेजेंट फीमेल जेंडर. ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को. फॉर एग्जांपल गर्ल्स लड़कियां फीमेल होती हैं, मदर सिस्टर डॉटर. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड टाइप पर कॉमन जेंडर. इट रिप्रेजेंट बोथ मेल एंड फीमेल. कॉमन जेंडर रिप्रेजेंट करता है दोनों, मेल को भी और फीमेल को भी. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डॉक्टर लॉयर. स्टूडेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, लॉयर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है. अब आ जाते हैं हम फोर्थ टाइप पर न्यूट्रल जेंडर. इट रिप्रेजेंट नेदर मस्कुलिन नॉर फेमिनाइन. न्यूट्रल जेंडर रिप्रेजेंट नहीं करता ना ही मस्कुलिन को ना ही फेमिनाइन को. मतलब इसमें ना मेल रिप्रेजेंट होते हैं ना फीमेल रिप्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल बुक पेंसिल फोन. बुक का भी कोई जेंडर नहीं होता, ना मेल होता है ना फीमेल होती है. ओके, उसके बाद थैंक यू.